बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। जहानाबाद शहर के राजा बाजार संकट मोचन मंदिर के समीप मां शारदा बिल्डिंग में ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान का उद्घाटन लोजपा नेत्री डॉक्टर इंदु देवी कश्यप एवं समाज सेवी कृष्णा सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस मौके पर इंदु कश्यप ने ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के संचालक पप्पू कुमार को धन्यवाद देते हुए कहा कि जहानाबाद में शिक्षा देने का जो निर्णय लिए हैं यह काफी काबिले तारीफ है। इस मौके पर जानकारी देते हुए ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के संचालक पप्पू कुमार ने कहा कि हमारे कोचिंग संस्थान में वर्ग 5वीं से लेकर वर्ग 10वीं तक के CBSE एवं बिहार बोर्ड आधारित शिक्षा दिया जाएगा, जहां मैथ साइंस और इंग्लिश पर विशेष फोकस किया जाएगा। क्लास 8, 9 एवं 10 के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल बैच की भी व्यवस्था की गई है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से क्लास की भी व्यवस्था किया गया है, ताकि बच्चों को उज्जवल भविष्य हेतु एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा सके। ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान में सिमुरतल्ला नवोदय विद्यालय, सैनिक मिलिट्री स्कूल एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी अनुभवी शिक्षकों द्वारा क्लास कराई जाएगी। सबसे पहले तो मैं पप्पू जी को, जिन्होंने जिनकी सोच है शिक्षा दान करना, उन्होंने कोचिंग का ये ओपनिंग किया है उसका उद्घाटनकर्ता के रूप में मुझे बुलाया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। और साथ ही साथ ज्ञान बिंदु कोचिंग में राजा बाजार ही नहीं बल्कि जहानाबाद के तमाम गार्जियन से मैं आग्रह करना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को उचित शिक्षा देना चाहते हैं तो ज्ञान बिंदु कोचिंग में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। मुझे सबसे पहले जो बच्चा यहाँ पढ़े और उसका भविष्य उज्जवल हो, यही कामना करते हैं। कहीं भी हम लोग सामाजिक कार्य करता है, जाते हैं, तो हम लोगों का ये एक ध्येय रहता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का प्रसार हो, प्रचार हो, और उसी परिवेश में ज्ञान बिंद कोचिंग सेंटर है तो यहाँ उत्कृष्ट ढंग से पढ़ाई करावे और लोगों का रुझान जिससे बढ़े, यही हम लोग का अभिलाषा रहता है। और उसी में जहाँ भी शिक्षण संस्थान रहता है हम लोग आगे बढ़ सकते रहते हैं। जी, हम टीचिंग लाइन में जी 10 साल से हैं। पहले हम पटना में पढ़ाते थे, बट कोरोना काल के समय में कोचिंग मेरा बंद हो गया, तो वहाँ से हम साल भर के लिए थोड़ा सा हम दूर हो गए। उसके बाद जहाँ पे हम पटना में थे तो वहाँ से हमको फिर अच्छा जगह नहीं मिला, तो यहाँ पे जहानाबाद में हमको राजा बाजार के खास करके लोग, जैसे आपको हो गए मैम हैं, नीरू भैया हो गए, जो बोले कि आप लोग आके राजा बाजार में कोचिंग खोलिए, यहाँ पे उस तरह का कोई अच्छा क्वालिटी का टीचर नहीं है। तो हम इस व्यू से आए हैं कि बच्चा यहाँ पे 5 to 10 तक के लिए कोचिंग तो जहानाबाद में बहुत सारे हैं, बट मेरे कोचिंग में ये है कि सिमुलतल्ला का पढ़ाई होगा, नवोदय विद्यालय का भी पढ़ाई होगा, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, प्लस में कंपटीशन का तैयारी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा करवाया जाएगा। और हम चाहते हैं कि जहानाबाद ही, राजा बाजार ही नहीं, पूरे जहानाबाद को इस तरह का क्वालिटी में बच्चा को दिया जाए कि आगे चल के फ्यूचर जहानाबाद को समझ।